दोस्तों आज करनाल प्लस चैनल की टीम वीएससी हेयर क्लिनिक पर है। आज हम आपको सिखाएंगे कि हेयर स्पा कैसे किया जाता है। इसे आप घर में भी कर सकते हैं। इसके पूरे प्रोसीजर को समझेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि हर्बल हेयर स्पा बालों के लिए क्या क्या काम करता है, किस तरह से बनाया जाता है और इस पूरे प्रोसीजर को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए चलते हैं हेयर स्पा के सफ़र पर। सबसे पहले आप देख रहे हैं पेशेंट के बालों को हर्बल शैम्पू से शैम्पू किया जाता है। जितने शैम्पू में बाल शैम्पू हो सकते हैं उतना शैम्पू लेकर, आजकल मौसम हल्का हल्का गर्म होने लगा है इसलिए हल्का सा ल्यूक वर्म वाटर हम यूज़ करते हैं और उसके अंदर पेशेंट के बालों को बड़े अच्छे ढंग से शैम्पू किया जाता है। कोशिश हमारी यही होती है कि हर्बल शैम्पू का ही हम हर्बल हेयर स्पा के अंदर इस्तेमाल करें ताकि किसी भी तरह का केमिकल पेशेंट के बाल के कॉन्टैक्ट में ना आए, क्योंकि आप सब जानते हैं जो केमिकल होते हैं वो बालों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। हमें ये पता है कि बालों में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रसाधन या बालों में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोसीजर, कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग या कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट या आजकल कलर का बड़ा इस्तेमाल होता है, वो सारे के सारे बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। इन नुकसानों से बचने के लिए कॉस्मेटिकली और मेडिकली बहुत से ट्रीटमेंट किए जाते हैं। उसमें हेयर स्पा स्पेशली हर्बल हेयर स्पा एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपके बालों की शाइनीनेस को बरकरार रखता है, फ्रिजी बालों को ख़त्म करता है, ड्राईनेस को कम करता है और बालों को एक शानदार और जानदार लुक देने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। तो इस प्रोसीजर के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले हम बालों को शैम्पू करते हैं, हर्बल शैम्पू से बालों को अच्छी तरह से वॉश करते हैं और जब बालों को पूरी तरह से वॉश कर लिया जाएगा फिर हम नेक्स्ट सेकंड प्रोसीजर पे आते हैं, जिसके अंदर हम हर्बल हेयर क्रीम लेकर उसकी मसाज हम बालों पे करते हैं। सेकंड स्टेप जब हमारा शुरू होता है उसके अंदर एक्यूप्रेशर के साथ साथ बालों को मसाज दी जाती है, स्कैल्प को स्टिमुलेट किया जाता है। उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारे सिर के नीचे वेन्स और आर्टरीज होती हैं उनके अंदर खून का बहाव बढ़ जाता है और जैसे जैसे खून का बहाव बढ़ता है बालों को पोषण मिलना शुरू हो जाता है और बालों की जो डेंड्रफ है वो कम होनी शुरू हो जाती है। बालों को जो मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन नहीं पहुंच पा रहे होते हैं उनका एक रास्ता क्लियर हो जाता है। जो हेयर स्पा थेरेपिस्ट होते हैं वो बड़े प्यार से बालों को पहले सुलझाते हैं कंघे के साथ, क्योंकि शैम्पू करते हुए बाल आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनको धीरे धीरे अलग किया जाता है, अच्छी तरह से कंघी की जाती है ताकि प्रॉपर पूरी लेंथ पर जो हेयर क्रीम है वो ढंग से लग पाए और एक एक बाल पेशेंट का बड़े तरीके से उस तक क्रीम पहुंचे, उस तक एक्यूप्रेशर पहुंचे, उस तक मसाज पहुंचे। हर्बल हेयर क्रीम आप देख रहे हैं कि थेरेपिस्ट बालों के अंदर हर्बल हेयर क्रीम को अप्लाई कर रही हैं। ये जो हर्बल क्रीम है जो स्पेशली वीएससी के द्वारा हर्बल स्पा के लिए बनाई जाती है, इसके अंदर 12 जड़ी बूटियां होती हैं। ये 12 जड़ी बूटियां अलग अलग काम करती हैं, अश्वगंधा, जटामासी और ब्रह्मी। ये 3 जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो बालों को प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाने का काम करती हैं, बालों के टॉक्सिन्स को खत्म करने का काम करती हैं। मुलहटी, भृंगराज, आंवला, ये 3 जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो बालों को पोषण देती हैं, बालों को लंबा करती हैं, घना करती हैं और मजबूत करने का काम करती हैं। इसी तरह से बालों की जो जड़ें होती हैं उनको किसी भी तरह की हानि से बचाने के लिए और बालों के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, बालों के नीचे जो वेन्स आर्टरी होती हैं उनके ब्लड को साफ करने के लिए अनंतमूल, प्लाश, गिलोय, इन हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में नीम भी इसके अंदर मिक्स करते हैं। और 2 जड़ी बूटियां ऐसी हैं, गुड़हल और रोजमेरी, जो बालों को रेशमी लुक प्रदान करती हैं, बालों की चमक बढ़ाने का काम करती हैं। तो इस तरह से जो ये 12 जड़ी बूटियों का हर्बल हेयर स्पा क्रीम है ये बहुत ही इफेक्टिव है बालों की ड्राईनेस, बालों की डिजीनेस दूर करने के लिए, बालों की फ्रिजीनेस दूर करने के लिए, बालों के अंदर जो वेवी कर्व्स आ जाती हैं उनको रिपेयर करने के लिए, क्यूटिकल को रिपेयर करने के लिए, बालों तक पोषण पहुंचाने के लिए। हर्बल हेयर स्पा को आप घर में भी कर सकते हैं, वीएससी की क्रीम आप ले सकते हैं जो वीएससी की हर क्लिनिक पे उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप क्लिनिक पे आना चाहें तो वहां भी करा सकते हैं और आपके बालों की जो सारी समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। डेंड्रफ, चाहे वो वेट डेंड्रफ है चाहे वो ड्राई डेंड्रफ है, उन दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव है। प्री मैच्योर ग्रेइंग जब हो जाती है उसमें मेलेनोसाइट्स जो सेल्स होती हैं वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं, उन सेल्स को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव हेयर स्पा क्रीम है जिससे वो दोबारा से एक्टिवेट हो सके। और भी अन्य बीमारी जैसे सिबोरिक डर्मेटाइटिस होती है या डिफ्यूज हेयर लॉस होता है, इवन एलोपेशिक एंड्रोजेनिटिका जो मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है और पैची हेयर लॉस जिसे हम एलोपेशिया रियाटा या बालों में कीड़ा लगना कहते हैं, उसके अंदर हर्बल हेयर स्पा बहुत इफेक्टिवली काम करता है। तो आप ये देख रहे हैं तो किस
किस तरह से ये मसाज की जो क्रीम है वो लगाई है थेरेपिस्ट ने, और अब इनके बालों पे पूरे बालों की लेंथ तक मसाज की जाएगी। एक एक बाल को अलग अलग गुच्छों में लेकर पकड़कर उनको पूरी लेंथ तक क्रीम लगाई जाएगी, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं पूरे बालों को ये मसाज की जाएगी, जिस तरह से हर बाल तक पोषण पहुंचना शुरू हो जाएगा। जब हम मसाज करते हैं तो साथ में एक्यूप्रेशर भी दिया जाता है। एक्यूप्रेशर को आपको पता ही है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के पूरे अलग अलग अंगों से जुड़े होते हैं। जब एक्यूप्रेशर किया जाता है तो एक्यूप्रेशर के कारण जब पॉइंट्स के ऊपर टच किया जाता है तो हार्मोन्स जो इम्बैलेंस होता है वो ठीक हो जाता है। जो शरीर के अंदर कुछ टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और शरीर अपना एक ऐसी अवस्था में आ जाता है जहां पर बीमारियां न्यूनतम होती हैं। सिर के अंदर दर्द है या किसी किस्म का स्ट्रेस है, तनाव है, वो भी रिलीज होता है और पेशेंट को बहुत अच्छा महसूस होता है। बालों की बीमारियों के साथ साथ तनाव मुक्ति के अंदर भी पेशेंट को सहायता मिलती है। बहुत ही इफेक्टिव ये हर्बल हेयर स्पा है। यदि पेशेंट इसको महीने में 2 बार ले तो ये बहुत ही अच्छा है। इसे आप अपने घर में भी कर सकते हैं, VSC के सेवाएं भी ले सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से करने से बहुत ही बढ़िया लाभ आपको हेयर स्पा के मिलते हैं। जो दुष्प्रभाव, जो साइड इफेक्ट्स आपको प्रोसीजर के द्वारा, केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा या किसी भी तरह की कर्लिंग, परमिंग या फिर बालों में रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग कराने से होते हैं, वो सारे के सारे इसके यूज से ठीक हो जाते हैं। तो हम स्टीम बालों को देंगे। आप ये देख रहे हैं स्टीमर है, और इस स्टीमर को के अंदर से आप स्टीम देख रहे हैं बन रही है। स्टीम बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। स्टीम बालों के अंदर बहुत सारे काम करती है। बालों को, हेयर फोलिकल्स को स्टिमुलेट करती है। जो टॉक्सिन्स बालों में इकट्ठे हो जाते हैं, जो डेंड्रफ बालों की स्किन पे जम जाती है, उसको ये निकालने का काम करती है। तो इस तरह से ये स्टीम बालों को दी जाती है। लगभग 5 से 10 मिनट तक हम बालों को स्टीम देते हैं, मौसम के हिसाब से और पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से। पेशेंट उतना किसी से कितना सहन कर पाता है तो उसका स्टीम का टेम्परेचर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब पेशेंट को स्टीम दी जाती है तो पेशेंट एकदम रिलैक्स फील करता है। आप देखते होंगे कि ENT डिसऑर्डर्स में जब पेशेंट को साइनस हो जाता है, साइनोसाइटिस हो जाता है, कफ जम जाता है या नाक के साइड्स में या माथे के अंदर पेन होती है, तो स्टीम पेशेंट डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, ENT वाले डॉक्टर स्पेशली रिकमेंड करते हैं। तो स्टीम का एक बहुत बड़ा रोल है। स्टीम हमारे शरीर के छिद्रों को खोल देती है, इस तरह से ये बालों के जो फुलिकल्स होते हैं उनको खोल देती है और बालों को पोषण मिलना शुरू हो जाता है, ब्लड का बहाव बढ़ जाता है, डेंड्रफ दूर होती है, टॉक्सिन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे काम स्टीम हमारे बालों के लिए करती है। तो हेयर स्पा के प्रोसेस में स्टीम का एक अहम योगदान है। अभी थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल आएगा तब इसको एक बार दोबारा से स्टीम देंगे, फिर दोबारा से रिलैक्स पेशेंट करेगा। टेम्परेचर नॉर्मल आने के बाद फिर हम सबसे लास्ट जो प्रोसेस होता है वो बालों को वॉश करना होता है बिना शैम्पू के। और अब सबसे अंतिम जो पार्ट है इस हर्बल हेयर स्पा का वो होने जा रहा है। इसके अंदर हम पेशेंट के बालों को वॉश करते हैं। ये फालतू की क्रीम है उसे निकाला जाता है। मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल VSCA हेयर क्लिनिक की तरफ से आपको भी ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आप नियमित रूप से अपने घर में करें या कहीं भी करें, हर्बल हेयर स्पा का इस्तेमाल अवश्य करें ताकि आपके बाल शाइनी रह सकें, अच्छे रह सकें, बालों के जो नुकसान हुआ है क्यूटिकल को, बाह्य लेयर को, वो रिपेयर हो सके, बालों को पोषण मिलना शुरू हो सके, बाल आपके ठीक हो सके, बाल आपके शाइनी हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।